वरुण धवन के सपोर्ट में उतरी गिगी हदीद। डिस करने पर ट्रोलर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन को बीते दिनों से काफी ट्रोल किया जा रहा है। वरुण धवन ने नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर की ओपनिंग गाला के परफॉर्मेंस दिया। हालांकि अपनी परफॉर्मेंस के आखिर में एक्टर ने हॉलीवुड एक्ट्रेस गिगी हदीद को गोद में उठा लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, वायरल वीडियो में वरुण धवन उन्हें गाल पर किस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वरुण धवन की डांस परफॉर्मेंस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल भी कर रहे हैं। यूजर्स वरुण धवन पर बिना गिगी हदीद के इजाजत के उन्हें गोद में उठाने और किस करने का आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद एक्टर ने भी अपनी सफाई दी थी। हालांकि अब खुद गिगी हदीद ने भी सभी ट्रोलर्स की बोलती बंद कर दी है। जी हाँ, वरुण धवन के साथ अपना डांस वीडियो इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाते हुए गिगी हदीद ने लिखा, वरुण धवन ने मेरा बॉलीवुड का सपना पूरा कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, गिगी हदीद ने वरुण को सोशल मीडिया पर फॉलो करना भी शुरू कर दिया है। गिगी की इस इंस्टाग्राम स्टोरी से ये साफ हो गया है कि वरुण धवन की वजह से वो अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं हुई थी। इससे पहले वरुण धवन ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई देते हुए ट्वीट भी किया था। आज सुबह मैं सोकर उठा और मैंने देखा कि मुझे ट्रोल किया जा रहा है। मैं आपके भ्रम का गुब्बारा फोड़ना चाहता हूं और आप सभी को बता दूं कि ये स्टेज पर उनके लिए पहले से ही प्लान किया गया था। मेरे खिलाफ बोलना बंद करो, सुप्रभात। आपको बता दें कि नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के इवेंट के दूसरे दिन वरुण धवन के साथ ही शाहरुख खान से लेकर रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा ने भी परफॉर्मेंस दी थी। इसके साथ ही एक वायरल वीडियो में रश्मिका मंदाना और आलिया भट्ट भी एक साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वेल, आपका गिगी हदीद की कही इन बातों पर क्या कुछ है कहना, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।